हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभी पीडिया T20 क्लासेस। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि T20 क्लासेस में हम लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें हम आपके साथ डेली 24 क्वेश्चंस और T20 क्लासेस। हमने इसको इसीलिए बोला था कि आप लोग IPL मिस ना करो, ठीक है, क्योंकि कोरोना के चलते हुए IPL तो नहीं हो पा रहा। तो हम आपके लिए T20 क्लासेस लेके आए हैं, जिसमें आपको 24 क्वेश्चंस, या आप ये कह सकते हैं कि आपको 4 ओवर जो है वो खेलने को मिलते हैं, और हर बॉल बॉल पे आपको 6 मारना है। सिमिलरली यूपीएससी में भी जब आप पेपर देने जाते हो, इट इज लाइक अ मैच ऑफ स्कोर। जो ज्यादा स्कोर कर लेगा वो जीत जाएगा, और जिसका स्कोर कम रह जाएगा वो हार जाएगा, ठीक है। तो एक विनिंग स्कोर होता है यूपीएससी में, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, जिसको आप लोग बोलते हो कट ऑफ। वो कट ऑफ अगर जिसने क्लियर कर ली, ही विल बी द विनर। कट ऑफ क्लियर करने वाला विनर होगा, और जो कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाएगा वो मैदान से बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज वही रहेगी। पॉलिटी का 6th लेक्चर है आज का, और आज के लेक्चर में बेसिकली हमने क्या डिस्कस करना है, सॉरी बच्चों, ये पॉलिटी का 6th लेक्चर नहीं है, पॉलिटी का 4th लेक्चर है। देयर इज हैज बीन सम प्रॉब्लम, पॉलिटी का 4th लेक्चर है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हमने क्या डिस्कस करना है, आज के लेक्चर में एक तो हमने DPSP यानी कि जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, और दूसरा आपका फंडामेंटल ड्यूटीज। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड जो है आज हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन आपके सामने आएगा, क्वेश्चन देखना है, वीडियो को पॉज करना है या पढ़ो उसको आराम से, और साथ के साथ उसका आंसर करो, और लास्ट में आपने जो है एसेस करना है कि आपने कितने सही दिए और कितने गलत। उसी हिसाब से आपने अपने आप को स्कोरिंग देनी है। 2 मार्क्स 2 मार्क्स Each will be for your positive answers and one your 0.67, 0.67 for negative answering. Okay, alright, चलिए। उसके अलावा आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ये देना चाहूंगा, डिस्क्रिप्शन में वीडियो की आपको हमारे डिटेल मिल जाएगी, जहां से आप जो है हमारी एक टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है उसको आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा आप हमारे माइक्रो कोर्सेज खरीद सकते हो। माइक्रो कोर्सेज, फॉर एग्जांपल, आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में किसी पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम है, जैसे कल्चर में आपको डांसेज में प्रॉब्लम है, तो आप सिर्फ वो डांसेज का जो माइक्रो कोर्स है उसको जाकर वहां पर परचेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स रहेंगे। चलिए तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया है, ये कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट कंसीडर करना है। नंबर 1, दे सीक टू एस्टैब्लिश इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी इन द कंट्री। नंबर 2, आर इन द नेचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू द स्टेट। नंबर 3, दे आर लीगली एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट फॉर देयर वायलेशन। इनमें से कौन सा सही है, पहले दो, दूसरा और तीसरा, दूसरा सिर्फ या तीसरा सिर्फ, बताइए इसका क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा जल्दी से। यहाँ पर अब आपसे पहले क्या पूछा गया, मैंने आपको हमेशा बताया कि आपको कीवर्ड क्या देखना है, एक तो करेक्ट पूछा गया या इनकरेक्ट पूछा गया, किन के बारे में पूछा गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में पूछा गया। तो इसका जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए चैट बॉक्स में। चलिए तो आंसर देख लेते हैं बच्चों इसका। सबसे पहले लिखा गया है कि एस्टैब्लिश इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी इन द कंट्री। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है आपका स्टेटमेंट है, क्योंकि आपके जो डीपीएसपीज हैं इसमें वेरियस आर्टिकल्स में इकोनॉमिक डेमोक्रेसी लाने की बात की गई है, जहां पर इक्वालिटी क्रिएट करने की बात की गई है, चाहे वो इक्वल वेजेस की बात हो सॉरी या वुमेन को राइट्स देने की बात हो, या फिर वर्कर्स को राइट देने की बात हो, सोशल डेमोक्रेसी की भी बात की गई है, चाहे चाइल्ड राइट्स हो या जो भी लीगल एड की बात हो। तो इसी वजह से इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी लेके आने की कोशिश यहाँ पर की गई है, इसको आप बिल्कुल सही बोल सकते हो। दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि ये एक तरह के इंस्ट्रक्शन है स्टेट को। बिल्कुल, ये इंस्ट्रक्शन है स्टेट को। अब ये जब डीपीएसपीज आए थे उस टाइम पर इनको फंडामेंटल राइट्स में क्यों नहीं रखा गया, जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, जब आपका संविधान बन रहा था, तब उस इनको फंडामेंटल राइट्स में क्यों नहीं रखा गया। इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि उस टाइम पर यह डिबेट किया गया कि स्टेट के पास यानी कि देश के पास वो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज नहीं है कि सरकार इन सारी चीजों को पूरा कर सके। इसी वजह से सरकार ने उस समय की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम इन चीजों को, ये जो सर्टन प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम अभी फंडामेंटल राइट नहीं बना सकते, इनको हम एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के सेक्शन में रख देते हैं, जो एक तरह से सरकार के लिए एक इंस्ट्रक्शन होगी, एक गाइडलाइन होगी, एक मैप होगा कि उसको किस तरह से जो है आगे चल के लॉज बनाने हैं, और जब रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हमारे पास हो जाएंगे तब हम इनको फंडामेंटल राइट्स में भी ऐड कर सकते हैं। और इसका एक आपका एग्जांपल आ जाता है, आपका राइट टू एजुकेशन, जिसको आपके 86 अमेंडमेंट के बाद जो है फंडामेंटल राइट बना दिया गया, आर्टिकल 21A में बात कर दी गई कि 6 से 14 साल जो है
एक फंडामेंटल राइट हो गया 6 से 14 साल के बच्चे के लिए एजुकेशन का, ये पहले डीपीएसपी का पार्ट था। तो जब सरकार के पास रिक्वायर्ड रिसोर्सेज है तब उन्होंने ऐसा कर दिया। ठीक है, दूसरी बात यहां पर क्या क्या कह रहा है, तीसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है, दे आर लीगली एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट्स फॉर देयर वायलेशन। अब देखो यहां पर अगर आपने थोड़ा सा भी डीपीएसपी आप 2020 का अटेम्प्ट देने जा रहे हो तो ये एक्सपेक्टेड होता है कि आपको ये वाली स्टेटमेंट पता है कि सही है या गलत है। देखो लीगली एनफोर्सेबल, तो लीगली एनफोर्सेबल देखते ही आप इस स्टेटमेंट को जो है कांटा मार सकते हो इसके ऊपर कि भैया लीगली एनफोर्सेबल तो कतई नहीं है ये। ठीक है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि अगर किसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल को अप्लाई करने में आर्टिकल 14 जो आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ है या आर्टिकल 19 जिसमें आपकी 6 फ्रीडम्स मेंशनड है, अगर उनके ऊपर थोड़ा सा कुछ इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, उनको सबॉर्डिनेशन में रखा जाता है तो रीजनेबल माना जाएगा डीपीएसपी की इम्प्लीमेंटेशन को। ठीक है, डीपीएसपी की इम्प्लीमेंटेशन को रीजनेबल माना जाएगा उस केस में। अब फॉर एग्जाम्पल आपने वुमेन के राइट्स के लिए कुछ ऐसा किया कि बाकी जो मेल काउंटर पार्ट है उनके राइट्स सप्रेस हो रहे हैं, तो वो यहाँ पर ये नहीं क्लेम कर सकते कि राइट टू इक्वालिटी में हमारा क्लेम हो रहा है। उसमें आप ये बोल दोगे कि आर्टिकल 39 ए जहां पर ये डीपीएसपी में बात की गई है वहां पर बोला गया है कि वुमेन के राइट्स को करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको एक्सेप्ट किया है कि वहां पर फिर आप राइट टू इक्वालिटी को क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन ये बोला जाना बिल्कुल गलत है कि डीपीएसपीज ऑल टुगेदर आर लीगली एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट, तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो गया बच्चों, ऑप्शन नंबर A 1 एंड 2 ओनली। ठीक है, क्लियर है ये वाली चीज, चलिए आगे देखते हैं। ओके, आंसर ये सही रहेगा आपका, और ये बाकी की एक्सप्लेनेशन है ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा तो उसमें आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन इंडिया। इनमें से कौन से एक्ट्स की वजह से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को हम कह सकते हैं कि वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो रहे हैं हिंदुस्तान में। आपके पास ऑप्शंस में है पंचायती राज सिस्टम का प्रमोशन, नंबर टू एडहेरेंस टू नॉन अलाइनमेंट एंड पंचशील, नंबर थ्री मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट, नंबर फोर फॉर्मेशन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो आपको इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा जो एक्ट है वो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की इम्प्लीमेंटेशन के लिए बनाया गया है। यहाँ पर ऑप्शन सी में आप इसको 2 एंड 3 ओनली कर लीजिएगा। चलिए आंसर दीजिए अब इसका, जल्दी से आंसर करने की कोशिश कीजिए। इनमें से कौन सा एक्ट जो है आपकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की इम्प्लीमेंटेशन के लिए बनाया गया है, इम्प्लीमेंटेशन के लिए। चलिए, तो अगर अब हम बात करें बच्चों, इसमें आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब अगर इसके आंसर की बात करें तो सबसे पहले इसका आंसर हो जाएगा डी। ये जो सारे एक्ट्स हैं ये किसी ना किसी डीपीएसपी की इंप्लीमेंटेशन के लिए ही इनको बनाया गया है। प्रमोशन ऑफ पंचायती राज हो, चाहे वो एडहेरेंस टू नॉन अलाइनमेंट हो, मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट हो, या फॉर्मेशन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस हो। अब मैं आपको लेकर जा रहा हूं लक्ष्मीकांत के उस सेक्शन की तरफ जहां पर इन एक्ट्स के बारे में बताया गया है जो आपको अच्छे से याद करने हैं। यहाँ पर तो सिर्फ 4 ही पॉइंट्स गिवन थे, इसके अलावा और भी पॉइंट्स दिए जा सकते हैं और पूछा जा सकता है कि ये क्या डीपीएसपी की इंप्लीमेंटेशन के लिए बना है, तो उनको देखते हैं एक एक करके। ये इस आंसर से रिलेटेड, चलिए अब यहां पर आप देखिए कि 1950 से लेकर अभी तक जो भी सब सरकार ने किया है डीपीएसपी की इंप्लीमेंटेशन के लिए, सबसे पहले प्लानिंग कमीशन बनाया गया था 1950 में, और ये प्लानिंग कमीशन इसीलिए बनाया गया था ताकि ये इस तरह के प्लान्स बना सके जहां पर इकोनॉमिक जस्टिस लेकर आया जा सके, इनइक्वालिटीज को रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, तो जो अपने 5 ईयर प्लान्स थे उसके थ्रू ये इन्हीं चीजों को अचीव करने की कोशिश करता था। और 2015 में जब प्लानिंग कमीशन को हटाकर नीति आयोग बन गया तो उसका भी वन ऑफ द गोल्स जो यही था। ठीक है, तो अगर आपसे स्टेटमेंट में ये दिया जाता कि फॉर्मेशन ऑफ प्लानिंग कमीशन वॉज टू गिव इफेक्ट टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, तो आप कह देते हैं हाँ प्लानिंग कमीशन इसीलिए बनाया गया था। दूसरा, उसके अलावा काफी स्टेट्स ने आजादी के बाद लैंड रिफॉर्म्स जो है वो लेकर आए, उसमें चाहे आपके इंटरमीडियरीज को एबॉलिश करने की बात की गई हो, जैसे जमींदार जागीरदार वगैरह को, टेनेंसी रिफॉर्म्स लाने की बात की गई हो, सीलिंग्स लगाने की बात की गई हो लैंड होल्डिंग्स के ऊपर, ठीक है, लैंडलेस लेबरर्स को जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड हुआ हो, या कॉपरेटिव फार्मिंग हुआ हो, ये सब जो मेजर्स हैं ये भी आपके डीपीएसपीज को अचीव करने के लिए लिए गए। उसके अलावा वेरियस एक्ट्स हैं जैसे आपके मिनिमम वेजेस एक्ट हो गए, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट हो गए, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट हो गए, ये सारे एक्ट्स की लिस्ट है जो इस पर्टिकुलर डीपीएसपीज को रेगुलेट करने के लिए किया गया। उसके बाद अगर आप देखो मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट जो 1961 का था, या इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, ये वुमेन वर्कर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर लाया गया। ठीक
ठीक है, तो मेनली यहाँ पर जो आपके वुमेन रिलेटेड डीपीएसपी थे उनको यहाँ पर अचीव करने की कोशिश की गई इन एक्ट के थ्रू। उसके बाद आप अगर देखो फाइनेंशियल रिसोर्सेज या फाइनेंशियल इक्वालिटी लाने के लिए भी बहुत सारे एक्ट्स बनाए गए, ठीक है, जैसे नेशनलाइजेशन किया गया लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का, बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया गया, नेशनलाइजेशन जनरल इंश्योरेंस का किया गया, या जो प्राइवेट पर्सेज जो प्रिंसेस को जो सरकार की तरफ से पैसा मिलता था उसको एबॉलिश किया गया 1971 में। तो ये एक तरह से इक्वालिटी लाने के लिए जो है वो किया गया। उसके बाद अगर आप देखो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट जो है 1987 में इस पर्टिकुलर एक्ट को पास किया गया पूरे देश में। लोक अदालत का प्रमोशन किया गया, ठीक है, कि लोक अदालत लेकर आएंगे, और इसका मेन एम क्या था कि लीगल एड प्रोवाइड कराई जाए जो आपका वन ऑफ द डीपीएसपीज है। उसके बाद अगर आप देखो खाली खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोर्ड, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, हैंडलूम बोर्ड, ये सारे जो है विलेज और रूरल डेवलपमेंट के लिए पर्टिकुलर जो है रूल्स बनाए गए जो आपकी रूरल डेवलपमेंट में लॉ प्ले करते हैं। उसके बाद आप देखो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी हो गया, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ड्रॉट प्रोन प्रोग्राम, तो ये सारे प्रोग्राम्स जो हैं ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है लोगों का रेस करने के लिए बनाए गए। उसके बाद एनवायरमेंट के लिए भी काम किया गया जो आपका डीपीएसपी में आता है, जो लिबरल प्रिंसिपल्स में आपका डीपीएसपी आता है, उसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपका लेकर आया गया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आपका लेकर आया गया, वाटर और एयर एक्ट लेकर आए गए रिस्पेक्टिवली, आपका सेंट्रल और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाए गए, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी लेकर आई गई टू प्रोटेक्ट दी एनवायरमेंट। उसके बाद एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए मॉडर्नाइजेशन लेकर आया गया, एग्रीकल्चरल इनपुट, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन फैसिलिटीज, ये सब डेवलप करने की कोशिश की गई। थ्री टायर पंचायती राज सिस्टम लेकर आया गया ताकि जो गांधीयन जो प्रिंसिपल्स थे हर विलेज को रिपब्लिक बनाने के, तो वो फुलफिल किए जाएं, उसके लिए 73rd अमेंडमेंट एक्ट लेकर आया गया। सीट्स रिजर्व की गई एससीज एसटीज, वीकर एजुकेशन के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, गवर्नमेंट सर्विसेज में, रिप्रेजेंटेटिव्स बॉडीज में, अनटचेबिलिटी ऑफेंसेज एक्ट लेकर आया गया, ठीक है, जिसको फिर रीनेम भी किया गया एज शेड्यूल्ड प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट इन 1976, और अल्टीमेटली इसको फाइनली जो है रीनेम किया गया शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। तो ये सब जो है एक्ट्स लेकर आए गए सोशल जस्टिस के लिए। 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आया गया जिसमें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन शेड्यूल ट्राइब्स की बात जिसमें कर दी गई ताकि एससी और एससी एसटी के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू फिर इनको बाइफरकेट भी किया गया। उसके बाद वेरियस नेशनल लेवल कमीशंस बनाए गए, चाहे वो वुमेन कमीशन हो, वो बैकवर्ड क्लास कमीशन हो, ताकि इन सब ऑर्गेनाइजेशंस के लिए वेरियस जो है स्टेप्स लिए जा सकें। और एक 102वीं अमेंडमेंट एक्ट भी पास किया गया 2018 में, जिसको जिससे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को। तो ये सारे काम जो है आपके डीपीएसपीज को फुलफिल करने के लिए ही किए गए। एंड अल्टीमेटली 2019 में सरकार ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को भी जो है यहाँ पर हक दिए हैं, रिजर्वेशन के हक दिए हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में या सिविल पोस्ट पे सर्विसेज में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, ये भी आपके डीपीएसपीज को ही प्रमोट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें जो आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट है, इसने जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट कर दिया पब्लिक सर्विसेज में, ठीक है। इससे पहले क्या होता था, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज जो कलेक्टर होते थे या सब डिविजनल ऑफिसर होते थे, तहसीलदार होते थे, वही जुडिशियल पावर्स भी एक्सरसाइज कर लिया करते थे, लेकिन आपके डीपीएसपीज में लिखा गया है कि जुडिशियल और लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स को अलग अलग करना है। एंशियंट और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की प्रोटेक्शन के लिए आपका एंशियंट और एंड हिस्टोरिकल मूवमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट बनाया गया 1951 में। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स खोले गए ताकि हेल्थ रिलेटेड इशूज को देखा जा सके, ठीक है। काउ स्लॉटर, काव्स, बुलक्स, इन सब की स्लॉटर को रोकने के लिए लॉज बनाए गए, ठीक है। हाल ही में हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में काफी बहुत सारी स्टेट्स ने जो है एंटी काउ स्लॉटरिंग जो है लॉज बनाए हैं, ठीक है। उसके बाद ओल्ड एज पेंशन जो है स्टेट्स ने शुरू किया है। इंडिया हैज बीन फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट एंड पंचशील, ये इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी जो अगेन आपका एक लिबरल डीपीएसपी है उसको फुलफिल करने के लिए बनाया गया। तो इन सब पॉइंट्स में से कोई भी पॉइंट जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, सेम जो भी पीछे क्वेश्चन था उसकी फॉर्म में। ओके चलिए अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज आर नॉट बेस्ड ऑन सोशलिस्ट प्रिंसिपल, इनमें से कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो सोशलिस्ट प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड नहीं है। अब आप सब जानते हैं कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो आपके तीन पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं। एक आते हैं सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, फिर आते हैं आपके गांधीयन प्रिंसिपल्स, और फिर आते हैं आपके लिबरल प्रिंसिपल्स। तो अब यहाँ पर आपको सोशलिस्ट बताना है कि कौन सा नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कीवर्ड देख लो सबसे पहले, तो
और आंसर करने की कोशिश करो। कीवर्ड है यहाँ पर आपका नॉट बेस्ड, ठीक है। इनमें से कौन सा सोशलिस्ट प्रिंसिपल नहीं है, नहीं है बताना है गलती से। अब यहाँ पर बच्चे आधी गलती यहाँ पर क्या करेंगे कि वो कौन से वाले हैं वो बता देंगे, आपने नहीं है वाले बताने हैं। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए। चलो अब इसका आंसर देख लेते हैं पहले तो इसका। अब फ्री लीगल एड टू द पुअर, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, अभी हम ये भी डिस्कस करेंगे कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स में आपके कौन से प्रिंसिपल्स आ जाते हैं। तो फ्री लीगल एड टू द पुअर जो है बच्चों, यह है आपका आर्टिकल नंबर 39A, ठीक है। 39A आर्टिकल है और दिस वॉज नॉट द ओरिजिनल DPSP जो कॉन्स्टिट्यूशन में था, इसको अमेंडमेंट के थ्रू लेकर आया गया एंड इट वॉज ब्रॉट थ्रू 42nd अमेंडमेंट, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको लेकर आया गया था 1976 में एंड इट इज अ सोशलिस्ट प्रिंसिपल। तो स्टेटमेंट नंबर वन आपका सही है। तो जिस ऑप्शन में स्टेटमेंट नंबर वन नहीं है, ठीक है, नॉट बेस्ड ऑन सोशलिस्ट प्रिंसिपल, आपसे पूछा गया कि कौन सा सोशलिस्ट प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड नहीं है, तो जिस जिसमें ऑप्शन नंबर वन है वो आपका गलत हो जाता है, ठीक है। वन एंड टू गलत हो गया और वन टू एंड थ्री गलत हो गया, ठीक है। अब आप सेकंड स्टेटमेंट देखो, प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट, सॉरी, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, दिस इज आर्टिकल 43A ऑफ DPSP और आर्टिकल 43A भी जो है आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू लेकर आया गया था एंड अगेन इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी गलत हो जाता है क्योंकि ये भी सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स का पार्ट है। तो ऑप्शन बी भी आप एलिमिनेट कर दोगे तो आपके पास ऑप्शन सी है जो वो बचता है थर्ड ओनली। तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। फिर भी देख लेते हैं प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द एनवायरमेंट। अभी आपका जो प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द एनवायरमेंट है ये आपका आ जाता है आर्टिकल नंबर 48A। अगेन द आर्टिकल वॉज इंट्रोड्यूस विद द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 बट इट इज नॉट अ सोशलिस्ट प्रिंसिपल, इट कम्स अंडर द हेड ऑफ लिबरल प्रिंसिपल्स या फिर लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स जिसको आप बोलते हो, ठीक है। तो ये आपका लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स के अंडर आ जाता है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर बिकॉज इट इज नॉट द पार्ट ऑफ सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स। चलिए अब आंसर हमने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लिया है। अब सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स में अगर आप देखो किस तरह के आपके डीपीएसपीज इसमें आ जाते हैं, लाइवलीहुड से रिलेटेड जो आपके डीपीएसपीज हैं, ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज से रिलेटेड जो आपके डीपीएसपीज हैं, इक्वल वर्क, इक्वल पे, इक्वल वर्क से रिलेटेड जो डीपीएसपीज हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से रिलेटेड जो डीपीएसपीज हैं, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने वाले जो डीपीएसपीज हैं, उसके बाद राइट टू वर्क और अनएम्प्लॉयमेंट, सिकनेस और ओल्ड एज के केस में जो आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है वो आपके सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स में आ जाता है। नेक्स्ट आपके लिबरल प्रिंसिपल्स में एजुकेशन से रिलेटेड आ जाता है, जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेशन की बात आ जाती है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के प्रोटेक्शन की बात आ जाती है, वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन की बात आ जाती है, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में वर्कर पार्टिसिपेशन सिक्योर करने की बात आ जाती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की यहाँ पर बात आ जाती है और एनिमल हस्बेंड्री और को साइंटिफिक लाइंस पे ऑर्गेनाइज करने की बात आ जाती है। फिर गांधीयन प्रिंसिपल्स में विलेज जो पंचायत है उनको सेट करने की बात है, प्रोहिबिशन ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल की बात है, ठीक है, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक एंड एजुकेशन ऑफ वीकर सेक्शंस की बात है, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज की बात आ जाती है, स्लॉटरिंग को प्रिवेंट करने की बात आ जाती है। ये सारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं आपको याद होने चाहिए अच्छे से विद आर्टिकल्स, ठीक है। तो लक्ष्मीकांत का जो आप डीपीएसपीज वाला चैप्टर खोलेंगे वहां पर बहुत अच्छे से डिफ्रेंसिएशन जो है वो गिवन है सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल्स और डीपीएसपीज, सॉरी लिबरल प्रिंसिपल्स का। यू मस्ट लर्न दैट फ्रॉम देयर, ठीक है। आर्टिकल्स भी पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी आर्टिकल 51A में है जो पार्ट 4A बनता है आपके संविधान का। इसमें अब आपको ऑप्शंस में ये गिवन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, इनमें से कौन सा जो है आपका फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से बताइए। इनमें से कौन सी आपकी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है,
चलिए तो आंसर देख लेते हैं इसका बच्चों। इसका आंसर क्या होगा? टू वोट इन जनरल इलेक्शंस, स्टेटमेंट नंबर वन। टू डिफेंड द कंट्री, स्टेटमेंट नंबर टू। आपकी स्टेटमेंट नंबर थ्री क्या कहती है? टू डेवलप ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। स्टेटमेंट नंबर फोर क्या कहती है? टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस। चलो तो देखो सीधी सी बात है, जो आपकी सेकंड स्टेटमेंट है, थर्ड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट है, ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज का पार्ट है। आपकी टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ठीक है? आपकी टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? आपकी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ठीक है? 10 ड्यूटीज वो हैं जो 42nd अमेंडमेंट के साथ जिनको इंसर्ट किया गया था। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी वो हैं जिनको 42nd अमेंडमेंट के साथ कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया था। और एक आपकी 11th फंडामेंटल ड्यूटी है जिसको बाद में 2002 में 86th अमेंडमेंट एक्ट के साथ इंसर्ट किया गया था, ठीक है? तो ओरिजिनली आपकी 10 है, उसके बाद एक और इंसर्ट की गई, 11 हो गई। अब ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज जो है आपको याद होनी चाहिए, बिल्कुल फैक्चुअली आपको याद होनी चाहिए, रटना पड़ेगा आपको। अगर और कोई इसमें सिनेरियो नहीं है तो, अगर आपको 11 फंडामेंटल ड्यूटीज याद है तो आप इजीली कह सकते हो कि पहली वाली जो ड्यूटी है वो नहीं है। डिबेट छिड़ी थी इसके ऊपर कि क्या वो इलेक्शंस में वोट करना हम एक फंडामेंटल राइट जो है फंडामेंटल ड्यूटी बनाए, तो अल्टीमेटली जो है इस पे डिसाइड किया गया था कि इसको फंडामेंटल ड्यूटी हम नहीं बना सकते, वोट करने की जो बात थी, ठीक है? चलो तो इजी क्वेश्चन है, ज्यादा इस पे टाइम नहीं लगाएंगे, आंसर ए इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉल एडॉप्ट द आइडियल्स ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी व्हेन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड लॉज। इनमें से किस बॉडी को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है जब भी वो कोई पॉलिसी या लॉ बना रहे हैं, ठीक है? तो आपके पास ऑप्शंस आ गए हैं ये, यूनियन लेजिस्लेचर, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो आपको बताना है इनमें से किसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को फॉलो करना है, बताइए। चलिए तो पहले आंसर देख लेते हैं इसका बच्चों। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चारों जो अथॉरिटीज हैं, चारों जो बॉडीज हैं, वो अपने लॉज या पॉलिसीज बनाते समय उनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को फॉलो करना है। अब यहाँ पर जब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करते हैं, ठीक है, तो जो स्टेट वर्ड यहाँ पर आता है, ये स्टेट के लिए हम वर्ड के लिए रेफरेंस यूज करते हैं हमारे आर्टिकल 12 की, ठीक है? आर्टिकल 12 जो आपका पार्ट 3 का पार्ट जो है फॉर्म करता है, जिसमें आपका फंडामेंटल राइट्स आते हैं। तो आर्टिकल 12 में ही आपका जो है ये स्टेट को डिफाइन किया गया है, ठीक है? और आर्टिकल 12 में स्टेट को डिफाइन करते हुए क्या कहा गया है कि भैया उसमें सरकार आ गई, जो केंद्र सरकार है या पार्लियामेंट है जो, वो आ गई, एग्जीक्यूटिव बॉडीज आ गई यूनियन की, लेजिस्लेटिव बॉडीज आ गई यूनियन की, ठीक है? एक्सप्लेनेशन इसकी देख लेते हैं। ये देखिए, गवर्नमेंट आ गई, पार्लियामेंट आ गई, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स आ गए यूनियन गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट आ गई, स्टेट लेजिस्लेचर्स आ गए स्टेट गवर्नमेंट के, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स आ गए, लोकल अथॉरिटीज जैसे कि म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, ये सब आ गए। बाकी की अथॉरिटीज जो स्टैट्यूटरी या नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज हैं, जैसे LIC, ONGC, सेल इटेक्स्ट्रा, जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं वो भी स्टेट की डेफिनेशन में आ जाती हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। और यहाँ पर हमने रेफरेंस किसका लिया है, आर्टिकल 12 का, जिसमें स्टेट को डिफाइन किया गया, ठीक है? इजी क्वेश्चन था, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म यूनिफॉर्म सिविल कोड मेंशन्ड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी रेफर्स टू। जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में यूनिवर्सल सिविल कोड की बात की गई है, तो उससे क्या अर्थ निकलता है कि भैया ऑल सिटीजन्स विल बी अंडर द सेम लॉ, सारे जो नागरिक हैं वो सेम लॉ के अंडर होंगे, इररिस्पेक्टिव कि उनकी क्या पॉलिटिकल अथॉरिटी है या क्या उनका स्टेटस है। ऑप्शन बी, ऑल सिटीजन्स विल बी अंडर द सेम लॉ इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। ऑप्शन सी, ऑल सिटीजन्स विल बी अंडर द सेम लॉ इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट एंड जेंडर। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। बताइए इसका क्या आंसर होगा, जल्दी से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो यूनिवर्सल सिविल कोड की बात की जा रही है, अब आपका जो यूनिवर्सल सिविल कोड है ये आपका आर्टिकल 44, ठीक है? यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कहां पर की जाती है, आपका आर्टिकल 44 में ये बात की जाती है, और लिबरल प्रिंसिपल्स के अंडर ये पर्टिकुलर आर्टिकल आता है। तो यहां पर जब हम बात करते हैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से हमारा क्या मतलब होता है? Thank you.
चलिए तो आंसर देख लेते हैं बच्चों, इसका क्या होगा आंसर? इसका बच्चों होगा आपका आंसर बी, ठीक है? इजी क्वेश्चन था, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो। देखो, सारे नागरिक पॉलिटिकल अथॉरिटी या इकोनॉमिक स्टेटस या पॉलिटिकल स्टेटस के बेस पे आप सारे नागरिकों को सेम लॉ के अंडर नहीं रख सकते, ठीक है? इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं टैक्स लॉ का। आप ये कह दो, आप अगर यहां पर ये कह दो कि भैया जो बंदा महीने के 1,000 रुपए कमा रहा है वो भी 10% टैक्स देगा, और जो बंदा महीने के 1 करोड़ रुपए कमा रहा है वो भी 10% टैक्स देगा, तो इफेक्टिवली आप प्रेशर ज्यादा किसके ऊपर डाल रहे हो? जो बेचारा 1,000 रुपए कमा रहा है, ठीक है? हिंदुस्तान में भी क्या फॉलो होता है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन फॉलो होता है ना, कि भाई जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उस बंदे के ऊपर टैक्स रेट जो है वो ज्यादा लगता जाएगा। लेकिन अगर आपने टैक्स रेट दोनों के ऊपर सेम रख दिया, फिर तो वो न्याय नहीं हुआ। तो आप सेम अनइक्वल स्टेटस या अनइक्वल अथॉरिटी वाले लोगों को सेम लॉ के अंडर नहीं ला सकते, चाहे वो रिच और पुअर है, मेल और फीमेल है, ठीक है, चाइल्ड और एडल्ट है। अलग अलग जो सेक्शंस हैं आपको अलग अलग लॉज बनाने पड़ेंगे। जो डिप्रेस सेक्शन है आपको उनको थोड़ी सी और ज्यादा पावर देनी पड़ेगी, और ज्यादा लॉज बनाने पड़ेंगे। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का ये मतलब नहीं होता, ठीक है? जो थर्ड स्टेटमेंट है, थर्ड स्टेटमेंट क्या कहती है कि भाई सारे सिटीजन को जो है सेम लॉ में रखा जाएगा इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट एंड जेंडर। अब आप सारे जो नागरिक हैं, चाहे वो एससी कैटेगरी के हैं या दलित कैटेगरी के हैं या और जो जनरल कैटेगरी के हैं, आपने सबको सेम में रख दिया, तो आप जो हिंदुस्तान में जो अनइक्वल स्टेटस है, जो इनइक्वालिटी जो है, जो 1,000ों सालों से हिंदुस्तान में चली आ रही है, उसको खत्म नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का मकसद नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या कहता है कि भैया अभी क्या है, हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्म है, ठीक है, और अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज के अपने अपने लिखे हुए स्क्रिप्चर्स और कस्टम्स हैं जिनको वो फॉलो करते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या कहता है कि इन स्क्रिप्चर्स और कस्टम्स को खत्म कर दिया जाएगा और उसकी जगह एक यूनिफॉर्म सिविल लॉ लेकर आया जाएगा, ठीक है? कि सिविल लॉ जो है वो हिंदूज के ऊपर भी इक्वली एप्लीकेबल होगा और वही लॉ मुस्लिम्स के ऊपर भी इक्वली एप्लीकेबल होगा, ठीक है? दैट लॉ विल नॉट हर्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन एज सच, लेकिन वो एक कॉमन लॉ बना देगा जो आपके मेनली यूरोपियन कंट्रीज में जो है फॉलो होता है, ठीक है? यूरोपियन कंट्रीज में भी काफी ऐसी कंट्रीज है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है फॉलो करता है। स्टेट हैज नो रिलीजन, ठीक है? स्टेट का एक कॉमन लॉ है, स्टेट डू नॉट एक्सेप्ट द रिलीजन ऑफ एनी लॉ ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। ऑलराइट, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ द अबव तो ये हो ही नहीं सकता। ऑलराइट, चलिए, ओके, तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड जो है आपको स्टेटमेंट्स कंसिडर करनी है। नंबर वन, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इनको ऐड किया गया था। नंबर टू, फॉरनर्स पे भी एप्लीकेबल है। नंबर थ्री, जस्टिसिएबल है नेचर में, यानी कि कोर्ट में जा सकता है इंसान। नंबर फोर, ये कोर्ट्स को हेल्प करती है एग्जामिन करने में और डिटरमाइन करने में कि क्या कोई पर्टिकुलर लॉ जो स्टेट ने या सेंटर ने बनाया है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। तो आपको बताना है करेक्ट, आपको आंसर क्या करना है बच्चों कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट है। चलो, इजी क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से इजी क्वेश्चन है। एक दो पॉइंट्स हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगे, और अगर वो आपको पता है तो आप इजीली इसका आंसर कर दोगे। देखो, सबसे पहला पॉइंट, देखो अमेंडमेंट्स के ऊपर ना पिछले 2 साल में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने पॉलिटी के जितने भी मेरे अभी तक लेक्चर्स हुए हैं या जो आगे भी लेक्चर्स होंगे वो मैं अमेंडमेंट रिलेटेड पॉइंट्स डालूंगा ही डालूंगा, क्योंकि अमेंडमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है, 2-3 साल से, तो और एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है, तो अमेंडमेंट्स आपको पता होनी चाहिए जो मेजर मेजर अमेंडमेंट्स है। तो देखो, जो पहला स्टेटमेंट है इसको तो मैं अभी पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, तो जिन बच्चों ने जो बच्चे लेक्चर ध्यान से सुन रहे हैं शुरू से वो तो पहली स्टेटमेंट को बिल्कुल कांटे ही मार देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है, और एलिमिनेट करते ही वो ऑप्शन ए और बी को एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ए और बी में दोनों में वन है, एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों एलिमिनेट हो जाएगा? क्योंकि यहां पर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है, ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी, ठीक है, तो स्टेटमेंट वन गलत हो गया। दूसरा क्या कहता है, दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है कि भैया अब देखो, वन एंड टू ओनली और वन एंड फोर ओनली एलिमिनेट ऑप्शन हो गए, ऑप्शन बचते हैं फोर ओनली और थ्री एंड फोर ओनली, यानी कि स्टेटमेंट टू तो वैसे ही गलत है। अब ऑप्शंस के ऊपर भी नजर रखनी होती है, जब आप क्वेश्चन देख रहे हो तो ऑप्शंस के ऊपर भी नजर रखनी होती है। ऑप्शंस के ऊपर आपने फॉर एग्जांपल आपने ऑप्शंस के ऊपर नजर नहीं रखी हुई, ठीक है। अब मैंने आपको पहला पॉइंट पता था, फर्स्ट पॉइंट आपको पता था कि भैया फर्स्ट पॉइंट तो डेफिनेटली गलत है, आपने ऑप्शन ए और बी एलिमिनेट कर दिया। उसके बाद आपने देखा कि जो बचे दो ऑप्शन हैं, सी और डी ऑप्शन जो बचे हैं,
सी और डी ऑप्शन जो बचे हैं इसमें फोर ओनली और थ्री एंड फोर ओनली है, मतलब कि सेकंड ऑप्शन तो यहाँ पर गिवन ही नहीं है, सेकंड पॉइंट तो यहाँ पर गिवन ही नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब अगर आपको ये आता हो चाहे ना आता हो, आपको इस पे दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है कि क्या ये फॉरनर्स को अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन जो हिंदुस्तानी सिटीजन है उनके ऊपर एप्लीकेबल है, फॉरनर्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट बची। अब आपसे क्या पूछा गया कि बताओ थ्री और फोर ओनली ठीक है या फोर ओनली ठीक है, दे आर नॉट जस्टिसिएबल इन नेचर। थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ये जस्टिसिएबल नहीं है। अगर कोई जो सिटीजन है वो फंडामेंटल ड्यूटी अपनी फुलफिल नहीं करता तो आप उसको कोर्ट में लेकर नहीं जा सकती स्टेट, ठीक है। तो ऑप्शन थ्री बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता क्योंकि थ्री बिल्कुल सही है, तो डी ऑप्शन जो है हो जाएगा, मतलब फोर्थ और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फोर्थ स्टेटमेंट में क्या लिखा गया है कि कोर्ट को हेल्प करता है एग्जामिन और डिटरमाइन करने में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला ही था कि वो फंडामेंटल ड्यूटीज का यूज करके ये देख सकते हैं कि क्या कोई पर्टिकुलर लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है। ओके, तो दिस स्टेटमेंट विल ऑल्सो बी राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इसके पढ़ लीजिएगा अच्छे से उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डीपीएसपीस। फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डीपीएसपीस से रिलेटेड आपको जो है स्टेटमेंट कंसीडर करनी है यहां पर। चलिए, दे आर कंसीडर्ड एज नॉवल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनको नॉवल फीचर्स की कैटेगरी में रखा गया है। इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरो किया गया था। इनमें वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट जो है वो एम्बॉडीड है। पॉजिटिव ऑब्लिगेशन लगाता है ये स्टेट के ऊपर, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है आंसर आपका करेक्ट है। तो कीवर्ड आपका यहाँ पर क्या आ जाता है, करेक्ट। चलिए जल्दी से आंसर करिए इसका। चलिए तो आंसर देख लेते हैं अब इसका फटाफट से बच्चों। देखो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि नॉवेल फीचर से रिलेटेड आपसे जो है यहाँ पर सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो आंसर पहले इसका मैं आपको बता देता हूँ, आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज योर फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब देखो सबसे पहले अगर मुझे अब इस क्वेश्चन को आंसर करना होता और अगर मुझे नहीं भी आता तो मैं इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा सकता था इजीली। चैप्टर जब हम पॉलिटी स्टार्ट करते हैं उसी समय हम देख लेते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कहाँ कहाँ से क्या क्या बोरो किया है, और इतना आपसे एक्सपेक्टेड है कि आपको पता होगा कि यार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो वेरियस प्रोविजन है हमने कहाँ से बोरो किए। तो जो आपके डीपीएसपीज हैं ये हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से नहीं लिए, ये हमने लिए हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ये हमने कहाँ से लिए हैं बच्चों, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। तो आपका सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया। तो अगर आप ऑप्शन देखो आपसे करेक्ट पूछा गया है तो सेकेंड ऑप्शन ए में है इसको क्रॉस कर दोगे, सी में है इसको क्रॉस कर दोगे, डी में है इसको क्रॉस कर दोगे, तो आपके पास ऑप्शन ही है, बचता है बी, दैट इज वन थ्री एंड फोर ओनली, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी की स्टेटमेंट्स पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो ये एक तो एक तरीका हो गया एलिमिनेशन वाला, अगर आपको बाकी के पॉइंट्स नहीं आते, और सेकंड पॉइंट तो अगर आप यूपीएससी के एक सीरियस कैंडिडेट हो तो आपसे एक्सपेक्टेड है कि आपको आता होगा। उसके बाद दे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, दे आर कंसिडर्ड एज नॉवल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बी आर अम्बेडकर साहब जो थे इन्होंने डीपीएसपी को आपके डिफाइन किया था एज नॉवल फीचर्स, ठीक है। बी आर अम्बेडकर डिफाइंड देम एज द नॉवल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलॉन्ग विद द फंडामेंटल राइट्स। तो डीपीएसपी प्लस फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी प्लस फंडामेंटल राइट्स इज इक्वल टू नॉवल फीचर्स, ठीक है। इन दोनों का जो है नॉवल फीचर्स जो है बनकर निकलता है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी और कॉन्स्टिट्यूशन का सोल जो है वो कंटेन करते हैं। ऑल राइट, उसके बाद जो आपका थर्ड स्टेटमेंट था, डीपीएसपी एम्बॉडी द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, दिस इज एक्चुअली करेक्ट, वेलफेयर स्टेट की ही यहाँ पर बात की जा रही है। उसके बाद ऑब्लिगेशन लेकर आते हैं स्टेट के ऊपर, बिल्कुल ये ऑब्लिगेशन लेकर आते हैं स्टेट के ऊपर, ठीक है, क्योंकि ये एक तरह से इंस्ट्रक्शंस हैं, रिकमेंडेशंस हैं स्टेट लेजिस्लेचर को या एग्जीक्यूटिव को या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को कि आपने इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है अपने लॉज और अपनी पॉलिसीज जो है वो डिजाइन करनी है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए ये आपकी एक्सप्लेनेशन है, अगेन यू विल गेट द पीडीएफ एंड यू कैन रीड इट, आई हैव एक्सप्लेन यू एवरीथिंग ओवर हियर। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इज आर फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डीपीएसपीस। इनमें से कौन सा सरकार का इनिशिएटिव है जो डीपीएसपीस को फुलफिल कर रहा है। अगेन एक्सप्लेनेशन इसकी पूरी देखी थी, अब जानबूझकर मैंने थोड़ा आगे क्वेश्चन प्लेस किया है ताकि मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो मैंने अभी पीछे पढ़ाया था, अभी हमने पीछे भी देखा था जिसमें हमने देखा था पंचायती राज और पंचशील और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, कि इनमें से कौन सा डीपीएसपीस के लिए सरकार ने बनाया, अगेन सेम है। तो अब आप इसको जल्दी से आंसर कर दोगे, एबॉलिशन ऑफ प्राइवेट पर्सेस, राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट किया फंडामेंटल राइट्स से, एमटीसीआर जो है साइन किया सरकार ने, खादी ग्राम उद्योग बनाया, बताइए। चलो ठीक है, इजी क्वेश्चन है अगेन, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, प्राइवेट पर्सेस वाला। तो हमने देख लिया कि 1971 में जो है इसको एबॉलिश कर दिया गया, उसके बाद आपका जो है राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया। ये सब इसीलिए किया गया ताकि आपका जो आर्टिकल 30 में जो डीपीएसपी है जिसमें बात की गई है टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर परमिटेड बाय जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एंड टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम स्टेटस फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटी। तो इसी डीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए, आपके आर्टिकल 38 के डीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए आपका फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट जो है इसको फुलफिल किया गया। उसके बाद अगर हम बात करें जो आपका एमटीसीआर वाला है जिसमें आप मिसाइल टेक्नोलॉजी एंड कंट्रोल डिजाइन की बात कर रहे हैं, वो आपका आ जाता है आर्टिकल 51 के अंडर, जिसमें हम इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को एस्टैब्लिश करने की बात कर रहे हैं। तो ये आर्टिकल 51 के अंडर आ जाएगा, पहले दो आपके आर्टिकल 38 के अंडर आ गए, और जो उसके बाद आपका इनकरेजमेंट ऑफ खादी ग्राम उद्योग है दैट विल कम अंडर आर्टिकल 43, जिसमें कॉटेज इंडस्ट्रीज को डेवलप करने की रूरल एरियाज में बात की गई है एंड विच इज अ पार्ट ऑफ गांधीयन प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये आपके सारे डीपीएसपीज आ जाएंगे और इनको फॉलो करने के लिए सरकार ने अलग अलग एक्शंस लिए, जैसे प्राइवेट पर्सेस को एबॉलिश कर दिया ताकि अपॉर्चुनिटी इक्वालिटी लेकर आई जा सके, राइट टू प्रॉपर्टी को एबॉलिश कर दिया, एमटीसीआर को साइन किया हिंदुस्तान ने इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए, और खादी ग्राम उद्योग को लेकर आए विलेज इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए। ठीक है, क्लियर है ना ये। चलो अगेन एक्सप्लेनेशन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड आपको स्टेटमेंट कंसिडर करनी है यहाँ पर। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिग्निफाइज द एक्सिस्टेंस ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कि आपके डीपीएसपीज में सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात की गई है हिंदुस्तानी संविधान में। दूसरा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है वो डिफाइन किया गया है सेकंड पॉइंट में। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच इंडिविजुअल्स हैव कंसेंटेड टू सरेंडर सम ऑफ देयर फ्रीडम, कि भाई जो इंडिविजुअल्स हैं उन्होंने बोला है कि हम अपनी कुछ फ्रीडम देने को तैयार हैं स्टेट को, और इसके बदले में हमें स्टेट से प्रोटेक्शन चाहिए, और बाकी के जो हमारे बचे हुए राइट्स हैं जिनको हमने सरेंडर नहीं किया है उनको अच्छे से मेंटेन करो और सोशल ऑर्डर एक मेंटेन करो। तो ये बात की गई सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, वन ओनली, टू ओनली, दोनों ठीक है या नीदर। चलिए आंसर कीजिए, थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है। क्या डीपीएसपीज में सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात की गई है? चलिए तो आंसर देख लेते हैं अब इसका। बच्चों आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि जो दूसरी स्टेटमेंट वो आपकी करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट नहीं है क्योंकि डीपीएसपीज में सोशल कॉन्ट्रैक्ट की एग्जिस्टेंस का जो है साइन नहीं मिलता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। जो आपका प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रियम्बल जो है आपका वो सिग्निफाई करता है एग्जिस्टेंस ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्योंकि वहां पर हमने टर्म क्या यूज की है, प्रीएम्बल में हमने टर्म क्या यूज की है, वी द पीपल हैविंग सॉलेमली रिजॉल्व्ड। ठीक है, तो जो ये वर्ड है आपका कि हम लोगों ने ये डिसाइड किया है, हमने ये रिजॉल्व लिया है, और आगे जो आपके प्रीएम्बल की लैंग्वेज कंटिन्यू करती है, तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट को दिखाती है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है आपका ये स्टेट को कुछ पावर्स दे रहा है। ठीक है, कई जगहों पर स्टेट को पावर दे रहा है, कई जगहों पर लोगों को पावर दे रहा है फंडामेंटल राइट्स के रूप में। तो एक तरह से एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है दोनों के बीच में कि हाँ भैया इंसान, आप फंडामेंटल राइट्स में देखो, आप ये देखो हर राइट के नीचे कुछ एक्सेप्शन है, जो आपका आर्टिकल 19 है उसके नीचे कुछ एक्सेप्शन है कि भाई पब्लिक ऑर्डर, मॉरेलिटी और ये सब को लेकर स्टेट अगर वायोलेट करती है फंडामेंटल
फंडामेंटल राइट को, आर्टिकल 19 को, तो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये एक तरह का सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो लोगों ने कहा कि हाँ ठीक है, आप हमारी ये 6 राइट्स प्रोटेक्ट करो आर्टिकल 19 के अंदर। स्टेट ने कहा कि उसमें ये एक्सेप्शंस होंगी, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, तो दैट फॉर्म्ड दी बेसिस ऑफ योर सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका जो साइन है वो प्रियम्बल में निकल कर आता है, जहां पर लोगों ने वर्ड यूज किया है, वी द पीपल, ठीक है। तो ये वी द पीपल जो है, उससे यहाँ पर सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात निकल कर आती है। दूसरी जो स्टेटमेंट थी आपकी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, कि लोग अपने कुछ राइट्स सरेंडर कर देते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रेस्ट ऑफ द राइट्स, ठीक है। तो उस केस में जो है आपका सेकेंड स्टेटमेंट सही हो जाता है। देन इन सच केस योर आंसर विल बी बी टू ओनली। ऑल राइट, बी टू ओनली विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इसकी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी सारी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड दैट द फंडामेंटल राइट्स एंड द डीपीएसपीज कॉन्स्टिट्यूट द कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसने ये कहा कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं और डीपीएसपीज हैं वो संविधान का कॉन्साइंस जो है वो है, बताइए। ऑप्शन है आपके सामने, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, बिल्कुल सीधा साधा क्वेश्चन, कुछ भी नहीं, या तो आता है या नहीं आता, या तो आता है या नहीं आता। या तो आता है या नहीं आता, इसमें कुछ ज्यादा सोचने समझने वाला नहीं है। चलो आंसर देख लेते हैं इसका। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, ग्रैनविल ऑस्टिन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट एक, इन्होंने बोला कि जो हिंदुस्तान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं और डीपीएसपीज हैं, ये दोनों मिलकर के कॉन्स्टिट्यूशन की कंसाइंस जो है वो फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में भी आ सकता है, क्योंकि आइवर जेनिंग्स हो गया या मॉर्टाइमर व्हीलर हो गया, इन सब की जो सेइंग्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, वो मैच द फॉलोइंग के वे में आ सकती हैं, तो आपको याद होना चाहिए। तो ये इसका आंसर है। ओके, एक्सप्लेनेशन आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंडामेंटल ड्यूटी स्टेट्स टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज में एक ये फंडामेंटल ड्यूटी आपकी बनाई गई है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करना है, और कॉन्स्टिट्यूशन के जो आइडियल्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं उनको रिस्पेक्ट करना है, नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना है, नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। ये सारे आपके फंडामेंटल ड्यूटीज में गिवन है। अब इनमें से कौन सा जो है पॉलिसी या कानून सरकार ने बनाया है फॉर गवर्निंग द यूज ऑफ फ्लैग, दैट इज योर नेशनल फ्लैग, ठीक है। आपके तिरंगे को रेगुलेट करने के लिए कौन से यहाँ पर जो है स्टैच्यू सरकार ने बनाया है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टैच्यू जो है गवर्नमेंट ने बनाया है। ऑप्शंस आपके सामने आ गए हैं, ए बी सी डी, एम्बलम्स एंड नेम्स, प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002। बताइए जल्दी से इसका आंसर दीजिए। जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर डी। तो ये जो तीनों कानून हैं, ये आपके फंडामेंटल ड्यूटी जो है जिसमें बात की गई है नेशनल आइडियल्स और नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को प्रोटेक्ट करने की, उसके लिए ये सब कानून जो है सरकार ने बनाए हैं, ठीक है। तो बिल्कुल फैक्चुअल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज एंड एक्ट रिलेटेड टू देम आर करेक्ट, ठीक है। एक तरफ आपका फंडामेंटल ड्यूटी है और दूसरी तरफ आपका कोई एक्ट गिवन होगा, आपको बताना है कि क्या वो फंडामेंटल ड्यूटी और वो एक्ट जो है करेक्टली मैच्ड है। चलिए तो ऑप्शन आपके सामने आ गए हैं। ये पहले में बोला गया है कि नेचुरल एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन के लिए कोस्टल रेगुलेशन जोन एक्ट बनाया गया, पब्लिक प्रॉपर्टी को वॉयलेंस से बचाने के लिए प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू द पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट बनाया गया, डिक्लेरेशन ऑफ कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन एज एन अनलॉफुल एसोसिएशन, इसके लिए अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट 1967 बनाया गया। तो बताइए इसमें क्या आंसर होगा आपका, जो डीपीएसपी को फुलफिल करने के लिए, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज को फुलफिल करने के लिए जो एक्ट बनाए गए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज को, ठीक है। तो नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना एक आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है एनलिस्टेड, तो उसके लिए कोस्टल रेगुलेशन जोन बना दिया गया, नोटिफिकेशन लेकर आया गया 2018 में, जो आपका करंट अफेयर्स का पार्ट बनता है। तो बिल्कुल सही जो है आपका ये स्टेटमेंट हो जाता है। पब्लिक प्रॉपर्टी को भी सेव करने की बात की गई है कि जब वॉयलेंस के समय में पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई नुकसान ना हो, तो उसके लिए ये पर्टिकुलर एक्ट है। और फिर कॉम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो अनलॉफुल एसोसिएशंस ना फॉर्म करें, उसके लिए आपका अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट भी है, ठीक है। तो तीनों ऑप्शंस जो है आपके करेक्ट हैं, तो 1, 2 एंड 3 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ठीक है। बहुत ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, आप इसको इजीली समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज आर करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है और करेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर वन, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडल्स दैट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम दैट वॉज एडेड इन 1950। ये एक पर्टिकुलर फ्रीडम फंडामेंटल ड्यूटी 1950 में एड किया गया। स्टेटमेंट टू, द वैल्यू एंड टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंट्रीज कॉम्पोजिट कल्चर, ये 1976 में एड किया गया। और अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 एंड 14, इसको ऐड किया गया 2002 में। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ज्यादा टाइम इस क्वेश्चन के ऊपर नहीं लगाएंगे क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है, और जो बच्चे ध्यान से पढ़ते हैं क्वेश्चन को वो स्टेटमेंट नंबर वन पे कांटा लगाते हैं सबसे पहले, उसके बाद स्टेटमेंट ऑप्शन ए सी और डी को काटते और जल्दी से निष्कर्ष पे आ जाते कि ऑप्शन बी ही करेक्ट आंसर है। क्योंकि आपका जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, जो 1950 में 26 जनवरी 1950 को ऑपरेशन आया, उसमें वो ऑपरेशन में आया उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज थे ही नहीं। आपके फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किए गए हैं, ठीक है, जो स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर ऐड किए गए थे। ऑलराइट, तो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, तो स्टेटमेंट नंबर वन तो बिल्कुल ही गलत है, 1950 में कहां से आ जाएगा। स्टेटमेंट नंबर टू क्या कहता है कि भाई वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंट्रीज कॉम्पोजिट कल्चर। अब 1976 में आपकी 42nd अमेंडमेंट आई जिसके थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किए गए, तो बिल्कुल उसी समय ये वाला पर्टिकुलर फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड किया गया था। जो फंडामेंटल ड्यूटीज डाले गए थे 1976 में उसमें ये फंडामेंटल ड्यूटी भी थी, तो इसको आप कह सकते हो कि हाँ 1976 में ऐड किया। ऑप्शन थ्री क्या कह रहा है कि भाई अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन और चाइल्ड और वार्ड 6 से 14 साल के लिए पेरेंट्स के लिए ये फंडामेंटल ड्यूटी स्पेशली बनाई गई, ये 2002 में लेकर आई गई जब आपकी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आया गया, जिसमें आर्टिकल 21A को फंडामेंटल राइट बनाया गया, जिसमें 6 से 14 साल की बच्चों का एजुकेशन जो है उसको एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया। ठीक है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट नंबर जो है थ्री भी बिल्कुल सही है, तो बी और बी ऑप्शन दैट इज टू एंड थ्री ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इनमें से कौन सा जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट फॉर्म करता है। आपके पास है ऑप्शन, ये बिल्कुल स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है कि इनमें से डीपीएसपी का पार्ट कौन फॉर्म करता है, बताइए इनमें से डीपीएसपी का पार्ट कौन फॉर्म करता है, डीपीएसपी का पार्ट आपको बताना है कि कौन फॉर्म करता है। तो आंसर देख लेते हैं पहले इसका क्या होगा, आंसर इसका बच्चों होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1, 2 एंड 4 ओनली। अब देखो जो आपका प्रोवाइडिंग द राइट टू एडुकेट मींस ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजंस है, दैट इज द पार्ट ऑफ आर्टिकल 39, ठीक है, आर्टिकल 39 में इसके बारे में लिखा गया है एंड इट इज अ सोशलिस्ट प्रिंसिपल। उसके बाद प्रिजर्वेशन ऑफ द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट पॉसिबल अब्यूज, दिस इज अगेन पार्ट ऑफ आर्टिकल 39 एंड अगेन फॉर्म्स द पार्ट ऑफ योर सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर थ्री, प्रमोशन ऑफ हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, दिस इज देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है, पर ये जो स्पेसिफिक पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं है, दिस पॉइंट इज अवेलेबल एज अ फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, ये आपकी एक फंडामेंटल ड्यूटी है हार्मनी को प्रमोट करना। ठीक है, उसके बाद नंबर फोर जो आपका पॉइंट आ जाता है दैट इज आर्टिकल 47 अगेन अ डीपीएसपी जो आपके सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स का पार्ट फॉर्म करता है, दैट इज व्हाई फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स, इनमें से कौन सा डीपीएसपी जो है स्टेट वर्कर्स के वेलफेयर के लिए बनाया गया है। स्टेटमेंट नंबर वन, प्रिवेंशन ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मींस ऑफ प्रोडक्शन। स्टेटमेंट नंबर टू, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन। स्टेटमेंट नंबर थ्री, सिक्योर अ लिविंग वेज, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल वर्कर्स।
स्टेटमेंट नंबर फोर, प्रोहिबिशन ऑफ इंप्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज. तो आपको इनमें से करेक्ट आंसर बताना है कौन सा डीपीएसपी वर्कर्स के वेलफेयर के लिए बनाया गया है. चलिए अब जो थोड़ा सा समझदार होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे देगा. बहुत इजीली इसका आंसर दे देगा. चलो देखो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा. इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, ऑप्शन ए क्यों होगा. देखो पहले तो प्रोहिबिशन ऑफ इंप्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, दिस इज नॉट अ फंडामेंटल, दिस इज नॉट अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर्टिकल, इट इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, तो आपके फंडामेंटल राइट्स में ये पर्टिकुलर आर्टिकल लिखा हुआ है जिसमें आपके एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन की प्रोहिबिट की जाती है फैक्ट्रीज में. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फोर तो आपका वैसे ही एलिमिनेट हो गया, तो बी सी और डी तो आपका एलिमिनेट हो गया. ठीक है, तो वन टू एंड थ्री बचता है. अब अगर आप देखो प्रिवेंशन ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ये भी वर्कर्स को बेनिफिट करता है, इट इज इन आर्टिकल नंबर 39. इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ऑफ मैन एंड वुमेन, वुमेन जो वर्कर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल 39. सिक्योर अ लिविंग वेज, ठीक है कि डिसेंट वेज होनी चाहिए, ठीक है जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके हिसाब से वेज होनी चाहिए, इन आर्टिकल नंबर 43. एंड ऑल ऑफ दीज आर सोशल प्रिंसिपल्स, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स की कैटेगरी में आते हैं, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स की कैटेगरी में आते हैं. ठीक है, तो ये सारे जो हैं वर्कर्स के वेलफेयर के लिए आप कह सकते हो कि डीपीएसपी फॉर्म किए गए हैं. चलिए ओके, दिस इज द सोल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर बेस्ड ऑन गांधीयन आइडियोलॉजी. अब आपसे सीधा सीधा पूछ लिया गया कि भैया गांधीयन आइडियोलॉजी के ऊपर कौन से जो हैं इनमें से पर्टिकुलर डीपीएसपीज आपके आते हैं. ऑप्शंस आपके सामने आ गए हैं, ये आपको बताना है इनमें से कौन सा जो 1, 2, 3, 4 में से कौन से आर्टिकल्स जो हैं वो गांधीयन आइडियोलॉजी के ऊपर हैं. पंचायत से रिलेटेड जो है, ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत की जिनमें बात की गई है, प्रोहिबिशन लगाया गया है कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल के ऊपर, काउ स्लॉटर को जहां पर प्रोहिबिशन की बात की गई है, या यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है, तो कौन सा आर्टिकल जो है आपका गांधीयन आइडियोलॉजी के अंडर आता है. चलो तो आंसर देख लेते हैं बच्चों इसका. अगेन अगर आपको एक ऑप्शन के बारे में पता है तो आप इसका इजीली आंसर कर सकते हो एलिमिनेशन मेथड से. पहले मैं आपको वही बता देता हूँ, टू सिक्योर फॉर ऑल द सिटीजंस, अभी इसके बारे में हमने बात भी की थी. तो जिस बच्चे ने लेक्चर ध्यान से सुना वो तो इसका आंसर इजिली कर ही दिया होगा उसने तो. ठीक है, आर्टिकल 44 है ये आपका, आर्टिकल 44 है जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है, और ये लिबरल या इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स में आता है, तो ये गांधीयन आइडियोलॉजी का पार्ट नहीं है. तो ऑप्शन फोर गया, सॉरी स्टेटमेंट फोर गया, स्टेटमेंट फोर के साथ गया आपका ऑप्शन नंबर बी, बी सी और डी, क्योंकि तीनों में ऑप्शन फोर अवेलेबल है. तो आपका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3. अगर अब आपको इन तीन के बारे में नहीं भी पता तब भी आप इसका इजीली आंसर कर सकते हो. ठीक है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं विलेज पंचायत. विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करने की बात की गई आर्टिकल 40 में, जो आपका गांधीयन आइडियोलॉजी का पार्ट है. ठीक है, ये हम सारा देख चुके हैं पहले भी. ठीक है, उसके बाद इंटॉक्सिकेटिंग और ड्रग्स के ऊपर बैन करने की बात की गई आर्टिकल 47 में. आर्टिकल 47 में दैट इज अगेन द पार्ट ऑफ योर गांधीयन प्रिंसिपल्स. काउ स्लॉटर को प्रोहिबिट करने की बात की गई आर्टिकल 48 में. आर्टिकल 48 अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ योर गांधीयन प्रिंसिपल. सो 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट विल बी द करेक्ट आंसर. ओके बच्चों चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द 86th अमेंडमेंट एक्ट. 86th अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड स्टेटमेंट आपको कंसीडर करनी है. व्हाट इज स्टेटमेंट नंबर वन. स्टेटमेंट नंबर वन सेज आर्टिकल 21A वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज फंडामेंटल राइट्स टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन. ओके. स्टेटमेंट नंबर टू, आर्टिकल 45 वाज अमेंडेड विच पुट ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट टू प्रोवाइड चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन. ओके. स्टेटमेंट नंबर थ्री, नो चेंजेस वर मेड इन टू द फंडामेंटल ड्यूटीज. ओके, आपको बताना है इनमें से करेक्ट कौन सा है. 86 अमेंडमेंट से क्या क्या चेंज हुआ, फंडामेंटल राइट में क्या चेंज हुआ, डीपीएसपी में क्या चेंज हुआ, या फंडामेंटल ड्यूटी में क्या चेंज हुआ. ठीक है चलो, अब आपका यहां पर आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, जो लेक्चर ध्यान से सुन रहा है वो इजीली इसका आंसर कर सकता था. अगेन नो चेंजेस वर मेड इनटू द
फंडामेंटल ड्यूटीज, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि फंडामेंटल ड्यूटीज में 2002 में जब आपका 86 अमेंडमेंट एक्ट आया, तो एक न्यू फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो पेरेंट्स के लिए यहाँ पर लेकर आई गई, टू लुक आफ्टर द ग्रोथ ऑफ द चिल्ड्रन फॉर 6 to 14 ईयर्स के एज के बच्चों के लिए, ठीक है, ये फंडामेंटल ड्यूटी लेकर आई गई यहाँ पर। ओके, सो एग्जैक्ट वर्ड्स अगर हम देखें क्या क्या लिखे हुए हैं वहां पर फंडामेंटल ड्यूटी में, अ पेरेंट और अ गार्डियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और एज द केस मे बी वॉल्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, ठीक है, तो नो चेंजेस वर इंट्रोड्यूस, तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट हो जाता है, तो सी और डी ऑप्शन यहाँ से उड़ जाता है। उसके बाद ऑप्शन बी क्या कहता है, सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है कि आर्टिकल 45 को अमेंड किया गया, बिल्कुल अमेंड किया गया, 86 अमेंडमेंट एक्ट से इसको अमेंड किया गया था, ठीक है, और अमेंडमेंट में ये लिख दिया गया कि स्टेट की ऑब्लिगेशन है कि वो चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड करे और एजुकेशन प्रोवाइड करे सारे बच्चों को। अब बच्चों की डेफिनेशन तो 18 साल की उम्र तक आती है। और दूसरी बात, डीपीएसपी में लॉज को रखा ही सी, डीपीएसपी इसका मकसद ही ये था कि ये स्टेट के ऊपर एक ऑब्लिगेशन फॉर्म नहीं कर रहे, ठीक है, तो ऑब्लिगेशन वर्ड इज इटसेल्फ अ रॉन्ग वर्ड टू बी यूज्ड विद डीपीएसपी, ठीक है। दूसरी बात, 45 आर्टिकल को अमेंड करके ये बोला गया कि नॉट ऑल चिल्ड्रन, यहां पर एज ब्रैकेट रखा गया 0 to 6 ईयर्स, ठीक है, 0 to 6 ईयर्स, क्योंकि 6 से 14 वालों को तो हमने टेक केयर कर लिया, क्योंकि उसको तो हमने फंडामेंटल राइट बना दिया, आर्टिकल 21 ये बना दिया, अब 0 से 6 वालों को हमने करना है और उसको अभी हम फंडामेंटल राइट नहीं बना सकते, इसीलिए हमने उसको डीपीएसपी बना दिया, तो इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। और फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, 21A आर्टिकल जो है फंडामेंटल राइट इंट्रोड्यूस किया गया और इसी के बेस पे आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट लेकर आया गया, जिसमें 6 ईयर्स to 14 ईयर्स को एजुकेशन जो है एज अ राइट जो है प्रोवाइड कराई जाएगी। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए, अगेन दिस इज द एक्सप्लेनेशन, यू कैन गो थ्रू इट इन द पीडीएफ। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, सोरेन सिंह कमिटी की रिकमेंडेशन पे आपका फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन में आया, ऑप्शन नंबर 2, 10 ओरिजिनल फंडामेंटल ड्यूटीज थी और 2 बाद में ऐड की गई, तो आपको सही जवाब बताना है इसमें, इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सेकंड स्टेटमेंट में शायद बच्चों को कंफ्यूजन हो, उसके अलावा कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए, तो आंसर देख लेते हैं बच्चों, इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्वरण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे ही आपकी जो है फंडामेंटल ड्यूटीज लेकर आई गई थी थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1976, उसी से आपकी जो है फंडामेंटल ड्यूटीज आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई, और जो आपकी ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी इससे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो ऐड की गई थी, तो ओरिजिनली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, बिल्कुल सही है, लेकिन जो ये वाली जो कॉमा के बाद वाला स्टेटमेंट है ये गलत है, उसके बाद 2 फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं, सिर्फ 1 फंडामेंटल ड्यूटी है जो वो ऐड की गई है, एंड दैट टू इन 2002 विद 86th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, तो ये वाला आपका यहाँ पर 2 जो है वो नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर 1 अगर होता तो ये भी स्टेटमेंट आपकी सही हो जाती, तो अभी के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 ओनली। ऑलराइट, चलिए, एक्सप्लेनेशन यू कैन गो थ्रू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वर एडेड टू द ओरिजिनल लिस्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स प्रेजेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें से कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो बाद में ऐड किया गया, ठीक है, बाद में ऐड किया गया, बताइए। बताइए, ओके, ऑप्शंस नहीं दिए मैंने, सॉरी, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट, उसके बाद स्टेट शॉल मेक प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस फॉर वर्क एंड फॉर मेटर्निटी रिलीफ, स्टेट टू टेक स्टेप्स टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज, स्टेटस फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, इनमें से कौन सा बाद में ऐड किया गया, और एक फिफ्थ पॉइंट भी है, द स्टेट शॉल टेक स्टेप्स टू सेपरेट जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक है, ये सारे डीपीएसपी, लेकिन कौन सा डीपीएसपी बाद में इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि किसी अमेंडमेंट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया, बताइए जल्दी से। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बच्चों, आंसर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1, 2 एंड 4, ठीक है, ये आपके जो है डीपीएसपीज में बाद में अमेंडमेंट्स से इंट्रोड्यूस किए गए। सॉल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है जी, तो ये सारे जो आपके अमेंडमेंट्स के थ्रू आर्टिकल्स आए हैं, चाहे वो आपका आर्टिकल 39 हो, ठीक है, जो आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट था उसने बेसिकली आपके 4 अमेंडमेंट्स वो लेकर आया, आर्टिकल 39, ठीक है, उसके बाद आपका आया आर्टिकल 39A,
उसके बाद आया 43A एंड 48A, ये आप इसको अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा। फिर 44th अमेंडमेंट एक्ट आया जिसने आर्टिकल 38 जो है इंट्रोड्यूस किया। 86th अमेंडमेंट एक्ट से आर्टिकल 45 का सब्जेक्ट मैटर चेंज कर दिया गया। पहले आर्टिकल 45 में चाइल्डहुड केयर जो है 6 to 14 ईयर्स के डिफाइंड था, अब क्योंकि 6 to 14 को आर्टिकल 21A में फंडामेंटल राइट बना दिया गया, इसी वजह से आर्टिकल 45 का सब्जेक्ट मैटर चेंज करके 0 to 6 ईयर्स यहाँ पर कर दिया गया। और उसके बाद आपका 2011 में एक 97th अमेंडमेंट एक्ट लेकर आया गया जिसमें ये कहा गया कि स्टेट को जो है प्रमोट करना है वॉलेंट्री फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनोमस फंक्शनिंग डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कॉपरेटिव सोसाइटीज, आर्टिकल 43B। ठीक है, तो आंसर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डायरेक्टिव्स प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन आउटसाइड पार्ट फोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो कुछ डायरेक्टिव्स जो है स्टेट को वो तो डीपीएसपीज में डायरेक्टली गिवन है, इसके अलावा भी कुछ डायरेक्टिव्स हैं जो अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग आर्टिकल्स में कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट को दिए गए हैं लेकिन वो डीपीएसपीज का पार्ट नहीं फॉर्म करते। ठीक है, तो उसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है डीपीएसपीज में नहीं आते लेकिन एक तरह से एक डायरेक्टिव है स्टेट को। ऑप्शन नंबर वन प्रमोशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज, टू स्टेट को रेगुलर इलेक्शंस कंडक्ट करने हैं उसकी ऑब्लिगेशन, थ्री एलिमेंट्री एजुकेशन मदर टंग में होनी चाहिए लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए, ऑप्शन फोर स्टेटमेंट फोर प्रमोशन ऑफ सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। बताइए इनमें से क्या होगा सही। चलो तो इसका आंसर देखें, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है डी, वन एंड थ्री ओनली। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, अगेन लक्ष्मीकांत से उठाया है सीधा सीधा, डायरेक्टिव्स जो है जो पार्ट फोर में पार्ट फोर के बाहर हैं। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं क्लेम ऑफ एससी एंड एसटी टू सर्विसेज जिसमें रिजर्वेशन की बात कर देते हैं हम, ये आर्टिकल 335 में पार्ट 16 में इसको लिखा गया है। इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए आर्टिकल 350A में पार्ट जो है आपका 17 में इसके बारे में मेंशन्ड है। डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज ये आर्टिकल 351 में आपका पार्ट 17 में मेंशन्ड है। तो ये भी जो डायरेक्टिव्स हैं जस्ट लाइक पार्ट फोर डीपीएसपीज ये भी नॉन जस्टिसिएबल है नेचर में, लेकिन इनको भी इक्वल इंपॉर्टेंस जो है दी जाती है और अटेंशन दी जाती है जुडिशरी के द्वारा भी अगर वो किसी लॉ को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी उसकी जज करने की कोशिश करते हैं। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, डीपीएसपीज आर डायरेक्टिव, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर। नंबर वन, डायरेक्टिव्स इन द नेचर ऑफ आइडियल्स ऑफ द स्टेट, डायरेक्टिव्स इन्फ्लुएंसिंग द शेपिंग द पॉलिसी ऑफ स्टेट, नॉन जस्टिसेबल राइट्स ऑफ सिटीजन, इनमें से कौन सा करेक्ट है आपको बताना है। चलिए तो तीनों स्टेटमेंट्स यहां पर ठीक हो जाएंगी बच्चों, आसान सवाल था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर डी। ये डायरेक्टिव्स हैं एक तरह से स्टेट को जिसके ऊपर स्टेट ने काम करना है, ठीक है, और स्टेट की पॉलिसी को शेप करते हैं और नॉन जस्टिसिएबल हैं, ये तो हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं, तो आंसर डी हो जाएगा, नॉट मच एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कंटेन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट येट दे आर। बताइए, येट दे आर ऑप्शन है आपके सामने ही है, फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, बाइंडिंग ऑन द स्टेट, एनफोर्सेबल एट द इंस्टेंस ऑफ प्रेजिडेंट, सुपीरियर टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिया। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इसका, ये भी इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए है, बाइंडिंग तो है ही नहीं स्टेट के ऊपर, ठीक है, इसीलिए इनको डीपीएसपी में रखा गया, अगर बाइंडिंग करना होता तो फंडामेंटल राइट में ही रख देते। प्रेसिडेंट के बारे में भी ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है कि प्रेसिडेंट के कहने पे इनको एनफोर्स किया जा सकता है, ऐसी भी कहीं पर बात नहीं की गई है, और फंडामेंटल राइट्स से सुपीरियर नहीं है। हालांकि इस पे बहसा बहसी हुई है कई बार, तो सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बोला है कि वो देख सकते हैं कि क्या कोई पर्टिकुलर डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है उसको एप्लीकेबल करने में आर्टिकल 14 और 19 रीजनेबली अगर जो है सबॉर्डिनेट केस में आ रहे हैं तो उसको रखा जा सकता है, लेकिन ऑल टुगेदर ये नहीं कहा जा सकता कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो फंडामेंटल राइट से सुपीरियर हैं, तो आपका ऑप्शन डी भी जो है वो गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आज का लास्ट क्वेश्चन,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा जो है करेक्ट स्टेटमेंट का पार्ट फॉर्म करेगा? ऑप्शन ए, प्राइमेसी इज गिवन टू ऑल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कंटेन्ड इन पार्ट फोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओवर फंडामेंटल राइट्स। एक तरह से पिछले क्वेश्चन के कंटिन्यूएशन है यहाँ पर। ऑप्शन बी, प्राइमेसी इज गिवन टू ऑल द फंडामेंटल राइट्स कन्फर्ड बाय आर्टिकल 14, 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओवर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ऑप्शन सी, प्राइमेसी इज गिवन टू ऑल द फंडामेंटल राइट्स कन्फर्ड बाय पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओवर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ऑप्शन डी, प्राइमेसी इज गिवन ओनली टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन क्लॉजेस बी एंड सी ऑफ आर्टिकल 39 ओवर फंडामेंटल राइट्स कन्फर्ड बाय आर्टिकल 14 एंड 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जल्दी से आंसर करने की कोशिश कीजिए। चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बच्चों डी होगा, दैट इज प्राइमेसी इज ओनली गिवन टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन क्लॉज बी एंड सी ऑफ आर्टिकल 39 एंड क्लॉज बी एंड क्लॉज सी ऑफ आर्टिकल 39 सेज, क्लॉज बी सेज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड एंड क्लॉज सी सेज प्रिवेंशन ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मींस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो इन दो आर्टिकल्स की इंप्लीमेंटेशन में अगर आपका आर्टिकल 14 और 19 जो है वो थोड़ा सा वायलेट हो रहा है तो उसमें जो है उसको लीगल माना जाएगा। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो 25th अमेंडमेंट एक्ट ने ये एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया था 31C, जिसमें ये फॉलोइंग प्रोविजंस थे कि कोई भी लॉ जो सोशलिस्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्पेसिफिकली स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 39B एंड सी उनको वॉइड नहीं रखा जाएगा, अगर इस ग्राउंड के ऊपर कि वो फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 दे रहे थे उनको वायलेट कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने सारे के सारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे उनको ऊपर रखा फंडामेंटल राइट्स से। ठीक है, जो आपके आर्टिकल और 14 और 19 में। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट आ गई बीच में, सुप्रीम कोर्ट ने इसको इनवैलिड कर दिया और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया मिनर्वा मिल केस में 1980 में। ठीक है, इसमें इसका मतलब यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के मिनर्वा मिल डिसीजन के बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को सबॉर्डिनेट ही रखा गया, लेकिन कोर्ट ने यह भी कह दिया कि जो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 और 19 में है उनको हम सबॉर्डिनेट एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आर्टिकल 39B और सी के केस में। अगर आप ये कहो कि सारे डीपीएसपीज हैं, जितने भी डीपीएसपीज हैं उनको हम सुपीरियर रखेंगे फंडामेंटल राइट से, तो एक तरह से आपने फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर दिया, डेड कर दिया। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल केस में ये बात बोल दी। ओके, चलिए, तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। अपने स्कोर्स जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम आई हो, कोई क्वेश्चन गलत लगा हो, कोई एक्सप्लेनेशन गलत लगी हो, तो वो भी कमेंट सेक्शन में रिस्पेक्टफुली आप शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे अब अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड कीप योरसेल्फ सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।